तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर। मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस। और फाइनली फाइनली रेसल रिपोर्टर पे क्यू एन ए की पहली वीडियो आ गई है। जी हाँ, आज की ये वीडियो होने वाली है इस चैनल की फर्स्ट एवर क्यू एन ए वीडियो। और इतना ही नहीं, आज मेरा बर्थडे भी है। हाँ, हैप्पी बर्थडे है मेरा, लाइक कर दो यार इसी बात पे। अब अगर आप मेरी वीडियोस को पुराने टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि बैकलैश के टाइम मैंने ऐसा बोला था कि मैं क्यू एन ए की वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन मैंने नहीं लाई। वाओ, तो फिर मैंने कल सोचा कि कभी ना कभी तो क्यू एन ए की वीडियो लानी है, तो क्यों ना आज 3 जुलाई यानी कि मेरे बर्थडे के दिन ही क्यू एन ए की वीडियो ला दी जाए। सच में मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छा कौन सा डेट हो सकता है। तो आज वीडियो आ गई है और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए हैं आपकी तरफ से। हालांकि अनफॉर्चुनेटली मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उनके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं उस सवाल का जवाब दे देता हूँ जिसके बिना कोई भी क्यू एन ए अधूरा है। मतलब कि आप किसी भी क्यू एन ए में चले जाओगे, आपको ये सवाल जरूर मिल जाएगा, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। मतलब कि पता नहीं क्यों, पर हर किसी को, मुझे भी ये जानने की चुल मची रहती है कि अगले की गर्लफ्रेंड है कि नहीं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ लोगों का तो ये सवाल भी आया था कि भाई कितनी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर भी राकेश भाई ने मुझसे ये सवाल पूछ ही दिया। सच सच बता रहा हूँ, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और अच्छा है नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं रेगुलर वीडियो तो लाता नहीं हूँ। सोचो अगर होती तो क्या होता, एक हफ्ते में एक ही वीडियो आती मेरी। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरे फेवरेट WWE सुपरस्टार के बारे में कि आखिर मेरा फेवरेट WWE सुपरस्टार कौन है। तो यार देखो, यहाँ पर कोई एक नहीं है। मतलब कि ब्रॉन स्ट्रोमैन, फिन बैलर, सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स, सभी सुपरस्टार्स पसंद है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी एक WWE सुपरस्टार के बारे में पूछ रहे हो तो मेरे फेवरेट रेसलर एजे स्टाइल्स। मतलब कि पहले तो सेथ रॉलिंस सबसे ज्यादा पसंद थे मुझे, लेकिन समर स्लैम में जब से मैंने एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना वाला मैच देखा था, उसके बाद से एजे स्टाइल्स मेरे फेवरेट हो गए। खैर मैंने तो बता दिया, आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार कौन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है द किंग की तरफ से, जहां ये लिखते हैं कि भाई क्या आप आईज्ञान चैनल देखते हो तो क्या विचार हैं आपके, बताओ। बाय द वे लव योर वीडियोस, मतलब फाड़ देते हो। क्या फाड़ देता हूं भाई, डांस कर करके मैं तो कोमा में जाते जाते बच गया हूं। मत किया करो यार ऐसा। क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा है क्या? अच्छा मजाक कर रहे हो, सही है यार। लव यू भाई और थैंक यू, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और जहाँ तक बात रही आई ज्ञान चैनल की, तो हाँ यार देखता हूँ कभी कभी, काफ़ी अच्छा चैनल है। मतलब उतना ज़्यादा नहीं देखता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेकी टाइप का आदमी नहीं हूँ, पहले था, फिलहाल अब तो नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है सूर्या भाई की तरफ से, जहाँ वो लिखते हैं कि भाई फेस कैम वीडियो बनाया करो और क्या रोमन रेंस 2018 में चैंपियन बनेंगे। तो यार क्यों नहीं बनेंगे, मतलब कि रोमन रेंस वो इंसान है जिन्हें विंस मैकमैन शेन मैकमैन से ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब आप ये कॉमेंट ही देख लो। तो यार अगर आप WWE सुपरस्टार हो और आपके ऊपर विंस मैकमैन का हाथ हो, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चैंपियन ना बनो। और जहां तक बात रही फेस कैम वीडियो की, तो यार आज ही एग्जैक्टली आज ही मैं फेस कैम वीडियो लाने वाला था। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आज से मैं फेस कैम वीडियो करने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते फिलहाल तो फेस कैम वीडियो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सब बढ़िया रहा तो जल्दी से जल्दी फेस कैम वीडियो भी आ जाएगी। इसके अलावा डीन एम्ब्रोस की रिटर्न और हील क्या होता है, फेस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में भी सवाल आए थे। तो अगर आपने इन सभी चीजों के बारे में सवाल पूछा था, तो आपको मैं बता दूं कि इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है। तो भाई इन दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको देखनी है तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है दीपेश भाई की तरफ से, जहां ये पूछते हैं कि भाई एज स्टार्स कब तक WWE चैंपियन रहेंगे। तो यार आई थिंक समर स्लैम तक तो वो चैंपियन रहेंगे ही। अगले क्वेश्चन में संदीप सिंह का पूछना है कि जॉन सीना WWE में कब आएंगे। तो यार मेरे हिसाब से एक्सट्रीम रूल्स के बाद समर स्लैम आने वाला है, और समर स्लैम काफी बड़ा पेपर व्यू है, तो समर स्लैम में जॉन सीना अपना रिटर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेक्निकल बाप की तरफ से, और ये पूछते हैं कि भाई शिंसुके नाकामुरा समर स्लैम में होंगे या नहीं। तो यार समर स्लैम तो बहुत दूर की बात है, डॉग ने ही तो उन्हें बाइट किया है, बहुत ज्यादा इंजरी तो नहीं हुई है। शिंसुके नाकामुरा एक्सट्रीम रूल्स से पहले या फिर एक्सट्रीम रूल्स के कुछ टाइम बाद अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो हाँ यार समर स्लैम में शिंसुके नाकामुरा जरूर होंगे। तो यार ये थी इस चैनल की फर्स्ट एवर क्यू एन ए वीडियो। अगर आपका सवाल इस वीडियो में नहीं आ पाया तो यार बुरा मत मानना, आई होप कि आप समझ सकते होगे कि सभी क्वेश्चंस को लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।